गुड मॉर्निंग। तो गाइस आप लोगों को आज का प्लान ना बताता हूँ। आज का जो प्लान है हमारा वो इस तरीके से कि हम लोग जा रहे हैं तत्तापानी। तत्तापानी कुफरी से जो है कितना दूर है? 60 किलोमीटर, 2 घंटे की राइड पहाड़ों की। पहाड़ों के 2 घंटों का मतलब होता है कि वो 3 घंटे भी हो सकते हैं, वो 3.5 घंटे भी हो सकते हैं। पहाड़ों पे यहाँ पे टाइम का कोई धर्म नहीं है, वो ऐसे ही चलता है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आज हम लोग फिर से एक और ट्रैवलिंग करने के लिए निकल रहे हैं। कुफरी का जो हमारा व्लॉग था वो यहाँ पे एंड होता है। कुफरी से हम जा रहे हैं तत्तापानी। तत्तापानी को हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भैया है रोहित भैया, उन्होंने मुझे गाइड किया इतना अच्छे तरीके से कि तत्तापानी जाओ वहाँ पे ये करने को है। अच्छा गाइस मैं वो चीज बताती हूँ, कल रात को 3:30 बजे के अराउंड यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई है, इतना तेज की थंडर स्टॉर्म हुआ है, मैं लिटरली सोते सोते उठ के बैठ गई डर के मारे कि यार मतलब ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे पहाड़ों में तेज बारिश हो देखी है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस रहा नहीं। तो लिटरली मैं प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज सब कुछ ठीक जाए, हमारे आने वाले दिन भी अच्छे जाए, और मैं डर गई ये महाराज जी खराटे लेके सो रहे हैं। माय गॉड, देखो आज क्या होता है। जी बिल्कुल सच कह रही है, ऐसा हुआ है कि कल रात को इतनी बारिश हुई है कैडी, वो भी तो वहाँ के जो पहाड़ है जो आप लोगों को भी दिख रहे होंगे उन पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे बर्फ गिरी है, सुनने में तो यही आया है, और गिरी भी होगी क्या पता। तो इसलिए गाइस अब जो हमारा सफर है वो यहाँ से तत्तापानी का है, तो अब हम यहाँ से ट्रैवल ब्लॉग शुरू करने वाले हैं हमारा। तो अब हम डायरेक्ट आप रस्ते में जाते हुए मिलेंगे सबको यहाँ टाटा बाय बाय करने के बाद, क्योंकि ये होटल इतना बढ़िया था, मिलके यहाँ पे लोगों से इतना अच्छा लगा, मजा आ गया, और खाना तो बेस्ट है, खाना तो लिटरली बेस्ट है। बाय बाय कुफरी व्यू, हम दोबारा जल्द मिलेंगे, सी यू। बाय कमरे, फिर से भी हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बाय बाय। तो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मेरे कुफरी का आज पहला ही दिन था, आज दूसरा है बल्कि, मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिनसे मिलकर हमें मज़ा आ गया, जिन्होंने हमारी ट्रिप भी बड़ी अच्छी कर दी, हमारे आगे के प्लान्स भी बहुत बढ़िया बना दिए, और यहाँ का खाना माइंड ब्लोइंग है। तो भैया ये भैया है हमारे रोहित भैया, ये इस हाँ हेलो एवरीवन। तो ये इस होटल के ओनर है जिसका नाम है होटल कुफरी हॉलिडे इन। हाँ, होटल कुफरी हॉलिडे इन सिंस 1994। इतने टाइम से होटल यहाँ पे चल रहा है, और मैं सीरियसली आप लोगों को कहता हूँ अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को इसी होटल में स्टे करना है, क्योंकि यहाँ जैसा फूड, यहाँ जैसी सर्विस और इतने अच्छे दिल वाले लोग कहीं नहीं मिलने वाले, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो भैया आपको भी मेरा बहुत बहुत वाला थैंक यू कि आप लोगों ने हमारी ट्रिप कुफरी की इतनी बढ़िया कर दी कि मज़ा आ गया। थैंक यू भैया, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा आपका जैसा यहाँ पर कपल हमारे पास आया स्टे किया, इट वॉज रियली प्लेजर हैविंग यू एज अ कपल एज अ फैमिली हियर विद अस। या सीरियसली, सो भैया तो आप लोग प्लीज आइए कुफरी आइए, और भैया के होटल में ही आना है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैप भी डाल दूंगा। अब तो भैया मुझे इतने पसंद आए हैं, और एक और एक और चीज भैया, पेट प्रमोशन नहीं है, सीरियसली भैया मुझे बहुत प्यारे लगे, मैं इसलिए ये चीज कर रहा हूँ। तो आप लोग से पूरा ले रखा है हमने, वैसे हमारा पीक सीजन चल रहा है, ठीक है, कोई पेट प्रमोशन नहीं है, भैया की अपना इनिशिएटिव है। बिल्कुल भैया तो, का अपना मर्जी थी कि मैंने ब्लॉग बनाना है, मैं कहा भैया बना लो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया के साथ मजा आएगी, इंडोर पार्किंग है हमारे पास, हाँ 15 से 20 गाड़ियों की पार्किंग। हमारे दो होटल्स हैं यहाँ, एक होटल कुफरी हॉलीडे इन और एक कुफरी हॉलीडे होमस्टे। कुफरी हॉलीडे होमस्टे के अंदर हमारी प्रीमियम कैटेगरी रूम्स है, बड़े बड़े वैली फेसिंग व्यू साइड के रूम्स है। इस वाले मेन होटल में हमारे पास फैमिली स्वीट्स हैं, डीलेक्स है, सुपर डीलेक्स है, रूम विद टेरेस है, और बजट कैटेगरी रूम्स है। या हमें तो रूम विद टेरेस दिया जो हमें बड़ा मजा आया, उसमें पैनारोमिक व्यू है 360 डिग्री। बिल्कुल मैं दिखा रहा आप लोगों को, बिल्कुल चुम्बेश्वरी रूम है। तो गाइस आना है कुफरी और भैया के पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं कुफरी को, टाटा बाय हम लोगों ने कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं तत्तापानी, है ना मोटे? बिल्कुल मजा आएगा वहाँ पे, बहुत मजा आएगा। तत्तापानी की दो चार खास बातें हैं, वो आपको हम तत्तापानी में ही बताएंगे, हम यहाँ क्यों बताएं। एग्जैक्टली, तो बस आप थोड़ा सा व्यू का मजा लीजिए, तत्तापानी मिलते हैं, बाय बाय बाय। गाइस देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये लाइन जो पूरी है इसके अंदर पूरी शूटिंग हो रही है, वो हंगामा 2 का एक्टर है ना, जो जो भी है वो यहाँ पे शूट कर रहा है। मतलब मेरे जब से हम लोग कुफरी आए हैं ना, हिमाचल में आए हैं, तब से मैंने ऐसी रोड नहीं देखी है ना शुभी। सही है, मैं इतनी मतलब पैनी रोड बोलते हैं इसको, देखो कितनी छोटी, अभी तो फिर भी ठीक हो गई, बीच में तो इतनी छोटी हो गई थी, वन वे हो गया था, वन वे ही हो गया था, हमें सोच रहे कि बस आ जाएगी तो क्या होगा, बट ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तत्तापानी
पानी के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे देख सकते हैं हमारे ये लेफ्ट साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी लेक जा रही है तत्ता पानी की। और ये सामने का व्यू ये देखा डिस्ट्रिक मंडी वेलकम ये देखिएगा दोनों साइड पर लेक बनी हुई है। ये हम लोग जा रहे हैं हॉट हॉट स्प्रिंग के अंदर। एक्चुअली इशू ये है कि होटल हॉट स्प्रिंग में हमें रहने का मन है पर ये सारे फुल जा रहे हैं, सब सॉल्ड आउट हो चुके हैं। तो इन्हीं का एक होटल है न्यू स्प्रिंग करके, देखो वहाँ पे हमारी बात बनती है नहीं। दिस इज अ होटल हॉट स्प्रिंग, देखो क्या होगा। मेरा सर बिना नाश्ते में खाली हो चाउमीन चिली मश पनीर हो गया, आप खा लूं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे तादा पानी पे जो होटल किया है इसका नाम न्यू स्प्रिंग है, उसका रूम हमें कैसा लगा। आइए चलिए देखिए हमारा रूम। हाँ जी देख रहे हैं, ये बेड है हमारा और ये साथ में इसका सराहना, ये स्टडी लाइट्स हमारी, ये हमें अच्छा वार्डरोब दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत काफी स्टाइलिश लग रहा है। ये भाई छोटी मिनी विंडो मेरी विंडो, ये सामने ये टीवी बेसिक एमिनिटीज मतलब क्या कॉफी वगैरह। हाँ जब हम चुरा के ले जाएंगे पाउचेस ये यहाँ पे अलग से सोफा और बैठने के लिए दे रखा है। और ये फुल साइज मिरर, और ये हमारा फुल साइज मिरर, सबसे बढ़िया बात जो मालिक को अच्छा लगती है मेन चीज, सबसे अच्छी बात है ये। अरे भाई कितनी ज्यादा रोशनी है ना, जन्नत में लेके जा रही है क्या। ये देखिए हॉट स्प्रिंग के अंदर, बट वहाँ पे बुकिंग फुल चल रही थी तो हमें नहीं मिल पाई, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने हमें न्यू स्प्रिंग में जो उनका बेस्ट वाला रूम था उन्होंने हमें वो प्रोवाइड करवा दिया जो हमें बहुत बढ़िया लगा। ठीक है गाइस, तो अब इसके साथ हम यहाँ से बस यहाँ पे एक डेढ़ घंटा आराम करने के बाद हम लोग हॉट स्प्रिंग में जाएंगे। वहाँ पे जाके हमें अलग अलग चीज़ें करनी है, जैसे हॉट शार लेना है, जेट स्की करनी है, बोटिंग करनी है, ड्रोन उड़ाना है, बहुत चीज़ें हैं तो वो हम वहाँ पे जाके करेंगे। और एक और चीज़ जो आप लोगों ने हमारी नहीं देखी वो हमारा बाथरूम, जो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, तो आप वो भी देख लीजिए प्लीज़। ये हमारा बाथरूम है, अच्छा खासा फुल साइज बाथरूम मिला है ना, बढ़िया उसमें भी मिरर है सेक्सी। हम लोग आगे मिलते हैं व्लॉग में, आप बने रहिए, मज़ा आने वाला है। ये वाला रास्ता है, ये रूट है जो हमें वहाँ पर लेक तक लेके जाएगा, आप सामने देख सकते हैं लेक आपको दिख रही होगी है ना। तो आइए चलते हैं, हाँ माने यहाँ से चल यहाँ से आ जाओ। ऐसे ये रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से आने का होटल स्प्रिंग से, और ये सामने का व्यू देख रहा है, इसको बचल रहा है जैसी फील है। ये यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे एटीवी बाइक की राइड्स होती है और जिस जेट्स की है स्पीड बोट, स्पीड बोट है यहाँ पे, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। मानी कुछ यादें ताज़ा हुई, कौन सी गोवा वाली, गोवा वाले बीच पे रानी फोटो खींच के।
का नाम क्या मानी? पता नहीं। मैं आगे आपको उसको बताऊंगा। बता पे लेक देखिए और वो ब्रिज देखिए, क्या फील है यार, वाह। Like, subscribe and share for more stunts like this. We love Dashing Fugre. एडी मानी पर्सनल बोट अपनी पूरी अपनी है। मैं देखियो हद होगी, कैमरे को भी एक्सप्रेशन दो यार, मजा आता है इनको भी यार, इतने अच्छे भाई है। भैया देख रहे हो, मैं आगे दिखाऊंगा, भैया बहुत बढ़िया यार, सच्ची कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। रोहित सैनी। मैं आपके साथ मिलकर बड़ा मजा आ गया, सच्ची कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या आपका नाम? रामलाल। अरे आपने तो जो डिस्काउंट दिया उसमें मजा आ गया हम लोगों को तो। और डिस्काउंट तो सर ने दिया सर, पर आपने जो राइड्स करवाई है ना इतनी बढ़िया वाली, हैट्स ऑफ है भाई आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत वाला थैंक यू है सीरियसली। देख अरे तुम लोग में गिरे हो, अब लास्ट आएगी। हाँ 85 मजा आ गया सीरियसली मैम, मजा आ गया, पैसे वसूल बिल्कुल। रेडी मानी राइड के लिए? हमें तो चढ़ा लिए वो। अरे तू देख चलाऊंगा मैं, भगाऊंगा वहाँ। पूरी आए, पूरी आए।
मजा आया बहुत मिनी गोवा। अब समझ में आया कि तत्ता पानी आने का क्या फायदा है। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, हिमाचल साइड पे राइड इतनी आसानी से मिलती ही नहीं है, बट यहाँ मिल रही है और इतनी अच्छे तरीके से लोग करा रहे हैं कि जो कहीं और करने को मिलती ही नहीं। तो भाई मेरा सजेशन है आपको, अगर शिमला साइड आते हो तो तत्ता पानी भी जरूर आओ। और अब इसके बाद जो एक्टिविटीज करने के बाद हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग में। कहते हैं यहाँ पे एक नेचुरल वाटर आता है जिसके अंदर सल्फर होता है, सल्फर ना, मतलब 45 डिग्री का वाटर का टेम्परेचर होता है। हाँ, उस पानी का टेम्परेचर रहता है। तो उसको करने का तरीका होता है, पूरा एक हिसाब होता है कि पहले ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, एक तरह से डिटॉक्स होता है वाटर, हॉट वाटर का डिटॉक्स करा जाता है बॉडी पे। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है, वो मजा आने वाला आगे वीडियो में। सी यू। ये है हॉट स्प्रिंग तत्ता पानी। ये आप देख लो, एक कॉमन पूल है। मेरा कैंडिडेट है जो जा रहा है। इधर आ जाओ, रुको। हाँ, एक मिनट। कहते हैं ये पानी जो 45 डिग्री सेल्सियस हॉट है। हाँ, 45 डिग्री हॉट है। क्लियर? इसे सबसे पहले ये आपको गर्म लगेगा, बट क्या है ना, ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देगा। काफ़ी हीलिंग पॉइंट्स है इस पानी के, जैसे भैया ने बताया भी था कि 23 पता नहीं 30 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इसलिए इसमें कहते हैं कि या तो पहले यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पर ठंडा कोल्ड पानी है, तो कोल्ड शावर लेकर भैया कहते हैं, कोल्ड शावर लेके फिर इस बोतल को नहीं रहता। पर हम लोग कह रहे हैं पहले इसको करेंगे, हम बॉडी को अच्छे से हीट अप करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कोल्ड शावर में। आएंगे क्या होता है, जब हम गर्म पानी में आते हैं तो हमारे पोर्स खुलते हैं, उसके बाद फिर हम शावर में आएंगे। हमारा अपना ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी ये चीज़ करने से। बट कॉशन ये है कि जब इसमें से बाहर आएंगे तो भैया कह रहे थे कि माइनर चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी का हाथ पकड़ के भाई आप अपना कंपनी में आना। तो पहले मैं ही जाता हूँ। चलो देखो, मेरे लगता मैं कर पाऊंगी कि मुझसे इतना गर्म पानी बर्दाश्त नहीं होता। ये वीडियो के लिए नहीं है, आप प्लीज इसका ड्रामा मत समझना, पर ये रियल में गर्म है पानी। जिसको करना हो अपना आना, तत्ता पानी आना, हॉट स्प्रिंग में आगे पैर चला के देख लेना, पता लग जाएगा। नहीं सीरियसली मैं गर्म है, यहाँ पे गर्मी बहुत है। मुंह का ढक रहा है, मुंह का कवर कर रहा है। अब इसी बॉडी को हीट करना, ज्यादा गर्मी हो जाएगी शरीर में ना। तो मैं देखो, मैंने तो किसी को करते देखा नहीं, मतलब खुद के लिए कर रहा हूँ। तो पहले क्योंकि शरीर को आदत लगा रहा हूँ पानी की, ताकि इतने खराब हो जाए भाई पानी तो खा रहा है। और इसके अंदर से सल्फर है। ये देखो, मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, ये अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है इस पाइप से। कितना है डी? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँ। कैसे लग रहा है? कुछ लग रहा है बॉडी में? अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक व्यू दिखाऊं सामने से, ये इसको देखो पहले मोटे को, ये सामने देखो, ये व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अंदर गर्म बाहर ठंडा। ये देखो व्यू, मोटा मोटा व्यू। आजा ठीक है, चिल्लाए मत, आजा आजा, आराम आराम से आ, सीढ़ी की सीढ़ी उतर। हाँ लगता है थोड़ा आराम तभी आएगा, आराम से उतर, स्टार्टिंग में लगेगा। मुझे भी बहुत गर्म लगा, मैं देखा कैसे खड़ा हूँ मजे में। दिल्ली के गर्म पानी से ज़्यादा गर्म पानी। अरे आदत ले, आदत ले, आदत ले, मानी माना कर, आदत ले, आदत आदत ले, शरीर पर रगड़। इस पर भी सीरियस होकर दिखा रही है, चश्मा पहन के आई है। चल अब उतर, नीचे हो जा, आया था कि यार इससे कोई सर्दी गर्मी हो जाए या कुछ है, बट नहीं है, नेचुरल वाटर है तो कुछ इतना खास फर्क हमें पड़ नहीं रहा। हम बिल्कुल ओके हैं, हम ठंडा गर्म। हाँ, वो अंदर वाला पानी तो ठंडा नहीं है खास, तो
ठंडा गर्म चल रहा है, यही करना है 7 बार और डिटॉक्स। मिलते हैं 7 बार करने के बाद। बाय बाय। चक्कर वक्कर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये कोल्ड शावर लेके गई है डायरेक्ट यहाँ से और फिर यहाँ से बाहर आ रही है। ये पता है मज़ा आ रहा है मतलब, कह रहा था ना हॉट एयर तो गर्म लगेगा और जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम। भाई मेरी खुद बॉडी बहुत रिलैक्स होगी, मेरे को बनियान उतारना पड़ा, मुझे इतना मज़ा आ रहा है मैं क्या बताऊँ। तो अब तो भैया हम तो चलें अपना हॉट स्प्रे करके खुद को ठीक करने, आप लोग भी आना और खुद को ठीक करके ज़रूर जाना। नेचुरल थेरेपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है बहुत। तो फिर गाइस फाइनली ये ट्रिप जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होती जा रही है। सीरियसली मैं कुफरी में बहुत मज़ा आया है, तत्ता पानी में बहुत मज़ा आया है। अब यहाँ से हम जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ भी बहुत मज़ा करेंगे। तो अभी हमें लेक साइड की वो बैठे हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल अभी नहीं गाइस, पहले आप हमारे फेस देखो, हम हॉट स्प्रिंग वाटर करके हम चाहिए चमक रहे हैं। तो हमारी कैसे फील आ रही है, कौन सा नियम होना है हमारा पता नहीं, जो सा भी चलने दे, रुकने मत दे इसको, रुकना तो नहीं देंगे। बट भाई साहब देखिए, आए होए होए मजा आ रहा है। ऐसे देखो भाई मजा आ गया, मजा इतना अच्छा लग रहा है हम क्या बताएं। लिटरली मेरे चेहरे मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, गोरे गोरे गोरे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे बुफे की बात करी, हम लोग बुफे करके जाएंगे, अलग आठ पे खर्चा नहीं कर रहे, अब बुफे करेंगे और आगे बाकी की बात मैं आपको आगे चल के होटल पर बताऊँगा। आज हमारा बुफे में डिनर है, फ्राइड राइस, मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, मंचूरियन, गुलाब जामुन, हलवा। कितना खाएगी तू? कितना खाएगी? चल पकड़ो मेरे। तो फिर गाइस अब सब इसी के साथ हम लोग वापस अपने रूम में आ गए हैं। आज के दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, बट बहुत मज़ा आया आज के दिन, लिटरली में बहुत मज़ा आया। एंड आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। आप लोग प्लीज़ 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 मुझे अपना प्यार देते रहिए, हमें ऐसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है। और हम लोग आज यहाँ आए, आज फिर अगले दिन पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना प्यार देते रहें, क्योंकि आपके प्यार के जरिए तो हम लोग आगे चल रहे हैं। तो फिर बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। See you soon. Sayonara. Tata. Jai Hind. Love you all. Bye.